अगर आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड किसी व्यक्ति को पता चल गया है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं बट आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप अपने यहाँ पर जीमेल लोगो पर क्लिक करें, यानी अपने जीमेल अकाउंट को लोगो पर एक बार क्लिक कर दें और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जितने जीमेल लॉगिन रहेगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो सिंपली आप जिसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उस वाले अकाउंट पर क्लिक कर देंगे और उस वाले अकाउंट के नीचे आपको एक गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आप यहां पर इधर लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे, उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आप यहां पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको ऊपर स्वाइप करना है और ऊपर स्वाइप करने के बाद आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर आप वेट कर लेंगे और थोड़ा देर वेट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ पर पुराना पासवर्ड डाल देंगे और पुराना पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट करिएगा तो आपके पास एक नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपको अपने पुराना पासवर्ड नहीं याद है तो सिंपली आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर अपने यूज योर स्क्रीन लॉक, यानी आप अपने स्क्रीन लॉक यहाँ यूज करके आप इजीली पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर दें और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक यहाँ पर दे देंगे, यानी आपका जो भी स्क्रीन लॉक है फिंगर पासवर्ड या जो भी है वहाँ से यहाँ से दे दे और यहाँ से स्क्रीन लॉक देने के बाद सिंपली आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर आप जो भी नया पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसमें क्लिक करने के बाद सिंपली सेम पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सिंपली आपके मोबाइल में मेल आ जाएगा या आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली। तो सिंपली आप इसी तरह अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो।